The census. Census is a very important factor because uh, to count the population and to count the population uh, on for the purpose uh, to specifically regarding the geographical uh, understanding, regarding the understanding that how and why. दीट कैन सेटल डाउन द पीपल एंड वट टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड टू द पीपल इन स्पेसिफिक एरियाज़ सेंसेस किसी भी मुल्क के लिए इस वजह से अहम है मरदम शुमारी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वजह से अहम है कि जब तक ये डेटा इकट्ठा नहीं होगा किसी भी मुल्क के पास कि उसके यहाँ किस जगह पर कौन से अफराद हैं कितने अफराद हैं जब तक वो नंबर अपनी टोटल डिटेल्स के साथ सामने नहीं आएगा कोई भी मुल्क प्रॉपर तरक्की जो है वो नहीं कर सकता ना ही लोगों को उनकी नुमाइंदगी जो है उसकी पर उसकी परसेंटेज के मुताबिक दी जा सकती है ख़ास तौर पर वो मुल्क जो अभी उस फेज से गुजर रहे हैं कि जहाँ सियासी नुमाइंदगी में कोटा सिस्टम है किसी ख़ास एरिया किसी ख़ास इलाके के अंदर किसी ख़ास कम्यूनिटी की निश्स्तों का मसला है तो वहाँ पर सेंसेस की अहमियत और ज्यादा होती चली जाती है बिकॉज प्रोवाइड्स मोर रिलायबल एंड एकट डेटा इफ प्रॉपरली नंबर इट इज़ वन ऑफ द मैनी सोर्स फॉर कलेक्टिंग डेमोग्राफिक डेटा एंड द कंडक्टिंग ऑफ सेंसेस हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री बट मॉडर्न वर फर्स्ट हेल्ड इन द सेवनटीन सेंचुरी इब्तदा में भी हम हम अगर आ, बहुत तारीखी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें आ, अरिस्टो आ, आ, प्लेटो ने अरिस्टोटल ने उन्होंने जो सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट दिया तो नंबर फिक्स कर दिया कि कितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है एक सिटी स्टेट के लिए बेनिफिशियल या यूजफुल होगा लेकिन फिर उसके बाद आबादी बढ़ती चली गई और सेवनटीन सेंचुरी में हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर सेंसिस का एक कॉन्सेप्ट आया कि जब तक लोगों को हम गिनेंगे नहीं जब तक हम अफराद की गिनती मुकम्मल नहीं करेंगे हम कैसे उनको डिवाइड कर सकते हैं उनके लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हैं तो ये कॉन्सेप्ट जो है अगर हम देखें कि इंसानी तरक्की के लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है बिकॉज सम कंट्रीज लाइक दे हैव हेल्ड देयर फर्स्ट सेंसेस इन द रीसेंट यस अब यानी जहाँ एक तरफ सेवेंटीन सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है वहाँ हम ये भी देखते हैं कि कुछ मुल्क जो हैं वो इससे दूर रहे और उस पर थोपिया की मिसाल भी दी जा सकती है लेकिन उसके साथ जो हमारे लिए इम्पॉटेंट बात है वो ये है कि अगर यथोपिया में सेंसेस नहीं हुआ था तो फिर उसका इफ़ेक्ट्स भी हम देख रहे हैं हम इम्प्लिकेशनस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो मुल्क जो सेंसेस पर बिलीव नहीं करते वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं देर आर टू टेक्निक्स ऑफ कंडक्टिंग डि ज्योरो एंड इफेक्टो डि ज्योरो इज़ द टेक्निक ऑफ ऑफ काउंटिंग पीपल अकॉर्डिंग टू द परमानेंट प्लेस ऑफ लोकेशन और रेजिडेंस ये बहुत पॉपुलर पैटर्न है कि जहाँ जो लोग रिहाइश पजीर हैं जहाँ लोगों की लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग लोगों को काउंट कर लिया जाए इसके जो मेन एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं दैट इट गिव्स अ परमानेंट पिक्चर ऑफ अ कम्युनिटी एंड इट प्रोवाइड्स मोर रियलिस्टिक एंड यूजफुल स्टेटिस्टिक बट देर आर सम डिसएडवांटेजेस टू एंड द डिसएडवांटेजेस आर दैट सम मे बी ओमिटेड फ्रॉम द काउंट। अ हाउस होल्ड मेम्बर हु इज टेम्परली अवे फ्राम होम मे बी मिस्ड फ्राम बींग अकाउंटेड अन एंड सो वी कैन सेट अनादर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट सम पीपल मे बी काउंटेड ट्रॉइस अगर घर अभी मुकम्मल नहीं है या उसकी प्लानिंग अभी हो रही है कि उसमें किस किस ने आके रहना है तो फिर उस घर के बारे में जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है उसका रोल आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा एंड अधर मैथड एंड अधर टेक्नीक इज द डिफेक्टो वन एंड डिफेक्टो इज़ द टेक्निक ऑफ कंडिंग सेंसेज सिर्फ उसको उसी तरह से उसी जगह पर काउंट कर लिया जाए ये एक डिफेक्ट मैथड होता है इसके भी कुछ फ़वायद हैं उसमें से एक बात ये भी है दैट देर इज लेस चांस फॉर दिन ऑफ परसन फ्राम द काउंट यानी अब जहाँ जो है उसको काउंट किया जाएगा तो इससे लोग जो हैं वो ओमिशन नहीं होगा लेकिन बहर हाल इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जा रही होगी लोगों के बारे में क्या जो एक शख्स जहाँ एक जगह पर है अगर किसी और इलाके में कहीं वो मूव करता है तो क्या दोबारा वो इंफॉर्मेशन उसी शख्स के बारे में नहीं आ जाएगी फिर देर आर मैनी पीपल दोज आर ट्रेवलिंग एंड दोज है लेफ्ट देयर परमानेंट रेजिडेंसीज एंड दे कैन बी सेटल्ड एट सम प्लेस uh, और अगर वो अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं है तो फिर एट द डे ऑफ द सेंसेस तो फिर उनको कैसे काउंट किया जाएगा तो ये इनकम कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द पॉपुलेशन सो बट वी कैन से दैट इन द मॉडर्न टाइम पीरियड्स वेन देयर आर लॉट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड मॉडर्न डेटा रिगार्डिंग ई डेटा स्पेसिफिकली सो इन द प्रजेंस ऑफ ई डेटा आई थिंक देंसिस कैन बी लिंकड विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाई द पीपल फॉर देयर लीगल जो जो दस्तावेज़ात होती हैं जैसे आई डी कार्ड की बेस पर हो गया जिन लोगों के आई डी कार्ड्स हैं उनके बारे में उनकी फैमिलीज़ की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होती हैं तो उस बेस पर अगर सेंसेस uh, को ट्रेडिशनल मेथड से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लिंक कर दिया जाए तो आ, हमारे मुल्कों में भी बहुत सारे ऐसे मिसाइल जो तो सेंसिस की बेस पर क्रिएट होते हैं उनको भी सेटल डाउन किया जा सकता है हाँ वो जहाँ भी ई डेटा डिजिटल डेटा जो है उसमें वो पीछे हैं वहाँ पर जाहिर है डिफेक्टो या डिजोरो जो भी मेथड ज़्यादा एप्लीकेबल हो लोगों को जहाँ लोग ज़्यादा जिस मेथड से मुतमिन हैं उस तरीके से थ्रू सेंसिस लोगों की इंफॉर्मेशन ली जा सकती हैं ताकि फ्यूचर पॉलिसी इकनॉमिक सोशल जो प्लानिंग है वो हुकूमतें उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकें